This city of Ranchi, the capital city of Jharkhand, would be voting in the first phase of elections. And one key issue, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर हमारे तीन चार दिन के यहाँ प्रवास से हमें दिखा वो है 1932 के खतिहान का मामला, यानी लैंड रिकॉर्ड्स का मामला। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं रांची से, यहीं के निवासी हैं। देवेंद्र जी, ये क्या है पूरा का पूरा मामला 1932 के खतिहान का, और कैसे, अगर मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करूँ, जो उससे पहले उसके बाद आए थे, उन पर कैसे असर होता है इसका? 1932 वो वर्ष है जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट किया था, और उस समय जो लैंड रिकॉर्ड्स बनाए गए उन्हीं लैंड रिकॉर्ड्स का बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आज तक हम लोग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। झारखंड में खास तौर पे दो अलग टेनेंसी एक्ट चलते हैं, एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है और एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है। इन दोनों एक्ट्स में जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, इसमें जिन भी परिवारों का लैंड रिकॉर्ड 1932 में एंटर्ड है उन्हीं के वंशजों को ये लोग यहाँ के मूलवासी मानते हैं। और अभी तक जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो बिहार और झारखंड का रहा है, इवन आफ्टर पार्टीशन 2000 ऑनवर्ड्स, तो ये लोग हमेशा 1932 के खतियान की ही बात करते रहे। इसमें तीन इश्यूज आते हैं। पहला ये कि यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन सिखों और पंजाबियों की है जो कि माइग्रेट करके पाकिस्तान से, और बहुत सारी पॉपुलेशन बंगालीज की है जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ आए और सेटल हुए। इशू ये होगा कि उनके तो पूर्वज यहाँ के नहीं है, तो 1932 के खतियान में इन दोनों कम्युनिटीज को आप कैसे असर्ट करेंगे अपने साथ। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर कैपिटल सिटी डेवलपमेंट एक्ट एक होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, कैपिटल सिटी डेवलपमेंट एक्ट, उसमें ये पावर है कि वो किसी भी टेनेंसी एक्ट को ओवररूल कर सकता है। लेकिन यहाँ की सरकार ने, यहाँ के हाईकोर्ट ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम लोग रांची को एटलीस्ट कैपिटल सिटी डिक्लेयर करने के बाद 1932 के खतियान को यहाँ से निरस्त करके डिस्ट्रिक्ट का एक्सपेंशन इस तरीके से करें कि यहाँ एक वाकई सुंदर कैपिटल बन सके। ये दूसरा इशू। और तीसरा इशू कि जब हम लोग 1932 के खतियानों की बात करेंगे तो इसको हम लोग रेगुलराइज कैसे करेंगे, इसके बारे में कई बार विधानसभा में भी चर्चा हुई है और आज तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिया कि ये माइनॉरिटीज को किस तरह से एडजस्ट करेंगे इसमें। तो ये हम लोगों के लिए एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अगर हम अपने ही देश में आए और रिफ्यूजी बन के आए और फिर कहीं पर आके अवस्थित हुए और फिर यहाँ पर भी अगर हम वापस रिफ्यूजी ही कहलाएंगे जीवन भर, तो हमारे अस्तित्व का क्या मायने है। बिल्कुल। सादत हसन मंटो की वो कहानी टोबा टेक सिंह, कुछ हद तक नो मैन्स लैंड की जो स्थिति उत्पन्न होती है झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर, जिस तरह से अभी देवेंद्र जी ने हमें बताया, उससे भी इट लीव्स अ लॉट ऑफ पीपल इन द लर्च, स्पेशली द माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्पेशली दोज हु केम टू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आफ्टर पार्टीशन इन 1947। वी विल कीप अ क्लोज आई ऑन द पॉलिटिकल प्रोसीडिंग्स इन दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सिटी ऑफ रांची। कीप वॉचिंग वन इंडिया। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.